गर्मी बढ़ने के साथ ही हल्द्वानी की लाइफलाइन गौला नदी का जलस्तर तेजी से कम हो रहा है। ऐसे में हल्द्वानी गौलापार और लालकुआ तक खेतों की सिंचाई मुश्किल हो गई है। तेल के इलाकों में सिंचाई नहीं होने से खेत सूख रहे हैं। भीषण गर्मी पड़ने से लौकी, करेला, मूली, बैंगन, खीरा, गाजर, शिमला मिर्च, ककड़ी, टमाटर की पौधे सूख गई हैं। साथ ही पर्याप्त सिंचाई न होने से पशुओं के लिए चारे, बरसीम की खेती भी प्रभावित हुई है। फसलों के प्रभावित होने से किसान भी परेशान हैं। बताते चले कि 8 महीने पहले आई आपदा के दौरान भी क्षेत्र की कई सिंचाई नहरें क्षतिग्रस्त हुई थी, जो अभी तक सुधारी नहीं जा सकी हैं। ऐसे में रहा सहा पानी भी खेतों तक नहीं पहुँच पा रहा है। अमृत विचार की टीम से जब गौलापार क्षेत्र के किसानों ने बात की तो उन्होंने सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध न होने पर अपनी पीड़ा को खुलकर बयां किया। किसानों ने पेयजल संकट पर चिंता जताते हुए भविष्य के लिए आगाह भी किया। किसानों ने बताया कि सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी न होने से इन दिनों आम और लीची की बागवानी भी प्रभावित हुई है। आंधी तूफान में फल जमीन पर गिर जा रहा है। ऐसे में कच्चे आम को बेचकर किसी तरह रोजी रोटी कमा रहे हैं। ऐसा ही हाल दूसरी फसलों का भी है, जो खेतों में सूखने के कगार पर है। बताते चले कि गौला नदी के पानी पर हल्द्वानी की जलापूर्ति के साथ ही कालाडूंगी रोड पर लामाचौर तक, गोलापार क्षेत्र, बरेली रोड पर लालकुआं तक और रामपुर रोड पर बेलबाबा तक की भूमि की सिंचाई निर्भर है। सिंचाई विभाग के सूत्रों के मुताबिक गर्मियों की शुरुआत से ही गोलापार, लामाचौर, लालकुआं और रामपुर रोड की नहरों में रोस्टर के हिसाब से पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं पानी कम रहने से यह टेल के इलाकों तक नहीं पहुँच पा रहा है। इससे टेल के इलाकों में सिंचाई व्यवस्था ठप है। सूत्र बताते हैं कि सभी नहरों को सुचारू रूप से चलाने के लिए 200 क्यूसेक से अधिक पानी की जरूरत होती है। ऐसे में इन दिनों गौला नदी का जलस्तर कम होने और क्षतिग्रस्त नहरों की वजह से अन्नदाता भी परेशान है। सिंचाई में ये है कि बारिश हो नहीं रही है, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, नहरें सूखी हुई हैं, पानी मिल नहीं रहा, इसलिए आम बेकार हो रहा है। इसकी चौकीदारी हम कर रहे हैं, कोई लाभ इसमें नहीं मिल रहा है, सब आम गिर गए, नाश हो गया। एक तो गर्मी बहुत भीषण पड़ी है और पानी का लगातार स्तर गिरता हुआ जा रहा है। जिस तरीके से हम भावरी क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, तो हमें जो भी पानी की आपूर्ति होती थी मुख्यतः भीमताल झील से ही होती थी और लगातार पानी में गिरावट आ रही है। नहर की सिंचाई की हम कल्पना इसलिए भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारी जो सिंचाई नहर है वो काठगोदाम के आसपास पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है, जबकि वो नहर ब्रिटिशकालीन नहर थी और उसमें जरूरत थी कि उस नहर को समय पर उसको मतलब सुव्यवस्थित तरीके से चलाया जाना चाहिए था। लेकिन अब मैं दूसरी ओर जाऊंगा, जिस तरीके से मौसम बहुत गर्म है तो बार बार दिन में लाइट जा रही है, यहाँ पर ट्यूबवेल से भी पानी की सिंचाई हो सकती है लेकिन वह पर्याप्त नहीं होती है। ट्यूबवेल की सिंचाई को हम एक विकल्प के रूप में तो ले सकते हैं लेकिन उसे हम उसका पूरे रूप से हम ये नहीं कह सकते कि हमारी उसकी पूर्ति कर लेंगे। अब जहाँ तक आपने पूछा कि बागवानी से लेकर खेतों में क्या असर पड़ा है, देखिए सर, इस समय अन्य वर्षों में खेतों में हरा चारा होता था जो हमारे पशुओं के लिए काम आता था। इसके अतिरिक्त हमारे जो बागान होते थे इनकी हम दो दो या तीन तीन बार इनकी सिंचाई कर लिए होते थे। उस सिंचाई से हमारे फलों का आकार बढ़ता था, फल मजबूत रहते थे, फल गिरते नहीं थे। इस बार फल बहुत गिर रहा है तो ये एक प्रकार से बहुत मैं कहूँगा कि कठिन समय है किसान के लिए। और ये भी कहूंगा कि अगर यही हालात रहे तो आने वाले समय में हम सिंचाई की बात न करते हुए पेयजल के लिए भी हमें पानी के लाले पड़ने वाले हैं।